ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, दिनांक 28 अप्रैल 1974। स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। लास्ट सो फास्ट सर्विस के साधन बतलाते हुए मुरली मनोहर शिव बाबा सर्विसेबल पांडवों से बोले, आज के संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की जिम्मेवारी की विशेषता क्या है? क्या आपने इन सब बातों को अपने संगठन में स्पष्ट किया है? क्या जिम्मेवारी मिली है या ली है? क्या अपनी स्थिति को उच्च और परिपक्व बनाने की जिम्मेवारी मिली है या ली नहीं है? क्या ऐसा मानते हो कि मेमोरेंडम बनाने की जिम्मेवारी ली है और अपनी स्थिति बनाने की जिम्मेवारी मिली है? आजकल के समय के अनुसार मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है? ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं और आगे चलकर और भी होंगे, लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है? विचार तो बहुत अच्छे निकाले हैं, बोर्ड भी लगाएंगे, फिल्म भी बनाएंगे, मेमोरेंडम भी बनाएंगे, शमशान और गांवों में भी जाएंगे, ये सब ज्ञापन तो करेंगे ही, लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगाएंगे? अपने इस मुख द्वारा व स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्मा को कौन सा और कैसे मेमोरेंडम देंगे? अपने दिल दिव्य अलौकिक चरित्र और शुभ चिंतन द्वारा और हर्षित मुख के चित्र द्वारा कौन सी अलौकिक फिल्म दिखाएंगे? क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे या ये इतने सब संगठन में आए हुए ब्रह्मा कुमार मधुबन वरदान भूमि से चेतन एवं अलौकिक फिल्म बन निकालेंगे? अगर इतनी सब फिल्म हर स्थान पर लोगों को दिखा सको तो क्या यही लास्ट सो फास्ट सर्विस नहीं? गांव-गांव में अथवा हर स्थान में सदा काल की शांति व आनंद का अनुभव एक सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्त द्वारा दिखाओ व कराओ तो क्या यह कम खर्च वाला नशीन ऊंची परंतु कम खर्च वाली सर्विस नहीं? सपूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विसेबल बच्चों का हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आप पांडवों का संगठन अथवा नियमित बनी आत्माओं का संगठन, सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है। स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे, इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना चाहिए, अर्थात कर्म करना है। जो भी यहाँ बैठे हैं वे सब इन बातों की जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठाएंगे तो क्या व्यंग मार्ग की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा? जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर टीचर्स और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारी के लिए निमित्त हैं, वैसे ही क्या आप अपने को इतना जिम्मेवार या निमित्त समझते हो? जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा का पालन करना
और कराना टीचर्स को एक जिम्मेवारी है। क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने से के निमित्त समझते हो, या ऐसा मानते हो कि ये टीचर्स और दादी दीदी ही का काम है? टीचर्स से भी पहले ये जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं, न के टीचर्स। यह पाठ पांडवों का है अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। ऐसी हर बात में नियमित बन चलने का क्या अपना पाठ समझकर चलते हो? कई टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, ये संभव है अथवा नहीं, इसकी मिसाल मांगते हैं। तो टीचर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी हैं, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर्स से कोई कम नहीं हैं। अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति वृत्ति दृष्टि और कृति सब के प्रति बनी हुई हैं, तो क्या वे सब की बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती हैं? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? ये है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। पहला चैलेंज जो आज तक न कोई कर सकते हैं और न कोई करेंगे, वह फर्स्ट चैलेंज कौन सा है? फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी का। संपर्क और संबंध में रहते संकल्प में भी इसी फर्स्ट चैलेंज को कमजोरी न हो। फर्स्ट वायदा कौन सा है? वह यही है ना कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम्हें से खाऊं तुम्हें से बैठूं, अथवा मेरा तो एक दूसरा न कोई। बात तो एक ही है, जो फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज है वे दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इन दोनों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है, इस पहली बात का ही टेंशन रहता है। इसी युद्ध में तो महारथी नहीं होना। महारथी का अर्थ है टेंशन में रहना नहीं है, बल्कि सदा अटेंशन में रहो। सबसे पहला प्रभाव इस विशेष बात पर है, क्योंकि यही असंभव को संभव करने वाली एक बात है। क्या पहला प्रभाव करने की पॉइंट्स मजबूत है, या अब तक भी संस्कारों से मजबूत हैं? तो जो समय के भी संस्कारों से मजबूर हैं, वे अन्य को उनकी मजबूरियों से स्वतंत्र कर सकें, ये सदा काल के लिए नहीं हो सकता। टेम्परेरी प्रभाव तो पड़ सकता है, लेकिन चलते चलते फिर उन आत्माओं में भी मजबूरियों की लहर उत्पन्न होगी। इसलिए संगठन की जिम्मेवारी सबसे पहले ये है, सर्व मजबूरियों को हटाना है। पहले समय की और फिर संसार की। फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो, यह है जिम्मेवारी।
बाप दादा भी और संसार की सर्व आत्माएं भी ये नवीनता व विशेषता देखना चाहती हैं। आगे चलकर जितने सर्विस के साधनों द्वारा सर्विस को बढ़ाएंगे वह मैदान में प्रसिद्ध होते जाएंगे, वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा वे अपनी सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। संकल्पों को व कर्मों को भी करने के लिए आपके पीछे CID होंगे, ऐसे ही सहज थोड़े ही मानेंगे। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चैलेंज करने के साथ साथ वे सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ कैसी तैयारी कर रहे हो, माइंड कंट्रोल, मस्तिष्क नियंत्रण का एग्जामिनेशन लेंगे। ऐसे नहीं योग में बैठते समय चेक करेंगे, विशेष परिस्थिति के समय माइंड कंट्रोल व स्थिति की चेकिंग करेंगे। माया के CID ऑफिसर कम नहीं होते, तो ऐसी तैयारी करने की जिम्मेवारी व स्वरूप बन सैंपल के रूप में आगे आने की जिम्मेवारी इस ग्रुप की है। तब तो पांडवों की यादगार ऊंची दिखाई है, ऊंची स्थिति का प्रमाण यादगार है। दूसरी बार जब जाओ तो इस बात में पास विद ऑनर बनकर आओ, तब कहेंगे पांडव सेना। अभी तो एक ही टॉपिक और एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, इसको ही एक रास्ते तक लाओ तो ऑफरिंग देंगे, सहज है ना? कितने समय से मेहनत कर रहे हो, जन्म से, जो जन्म से ही प्रयत्न में लाने वाली बात है, क्या वह मुश्किल लगती है? औरों को कहते हो अपना जन्म से अधिकार प्राप्त करना क्या मुश्किल है? ऐसे ब्राह्मणों का पहला धर्म और कर्म जो है वह करना क्या ब्राह्मणों के लिए मुश्किल है? मरजीवा बन गए हो न, या के मर कर जिंदा हो जाते हो? मरना शूद्रपन से है, जीना ब्राह्मणपन में है। यह ब्राह्मणों का अलौकिक जीवन है। ब्राह्मणों को कुछ मुश्किल होता है क्या? ब्राह्मण जीवन के जी दान का आधार कौन सा है मुरली? पढ़ाई का भी आधार है मुरली, तो जी दान का आधार अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो। नियम प्रमाण नहीं, लेकिन जी दान का आधार समझ स्नेह रूप में स्वीकार करते हो। जितना स्नेह जी दान से होगा उतना ही स्नेह जीवन दाता से होगा। ऐसा स्नेही अन्य आत्मा को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अब ऐसे आधार रूप समझ सकें, आगे उदाहरण रूप बनो, यह भी जिम्मेवारी है। पांडवों के मुख से चलते फिरते मुरली की रू रिहान व चर्चा कम सुनाई पड़ती है, गोपियों के मुख से मुरली की चर्चा अधिक सुनने में आती है। क्यों? आपस में ज्ञान की चर्चा करना ये तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जिस बात में जिसकी जो लगन होती है उसके लिए समय की कमी कभी नहीं हो सकती। तो इन दो बातों पर ध्यान रखो, एक तो है प्योरिटी, दूसरा है जी दान का महत्व। सूक्ष्म साधन के लिए अलग समय की आवश्यकता नहीं है, जैसे दुनिया के लोगों ने गृहस्थ और आश्रम को अलग कर दिया है और आप लोग दोनों को मिलाकर एक करते हो, वैसे स्थूल और सूक्ष्म साधनों को अलग करते हो।
इसलिए प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता। दोनों ही साथ साथ होने से प्रत्यक्ष फल देखेंगे। वाणी के साथ साथ मनसा चाहिए और कर्म के साथ साथ भी मनसा चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है ना। लास्ट टाइम में जो भी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र होते हैं वे सब यूज़ किए जाते हैं। अगर ये सब पीछे करेंगे तो टाइम बीत जाएगा। जब अष्ट शक्तियों को साथ साथ सर्विस में लाओगे तभी अष्ट देवता प्रसिद्ध हो जाएंगे, अर्थात स्थापना का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि पहले स्थूल करके फिर पीछे सूक्ष्म करेंगे, नहीं, साथ साथ के सिवाय सफलता नहीं। अच्छा, इस मुरली का सार, स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन अपनाने से और प्लेन के साथ साथ प्लेन स्थिति अर्थात स्मृति रहने से लास्ट इज फास्ट जा सकेंगे। ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने और कराने की जिम्मेवारी टीचर्स के साथ साथ ब्राह्मणों और पांडवों की भी है। अच्छा, ओम शांति।